आइए एक नए महीने का आगाज करते हैं। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर जब महीना स्टार्ट होगा या 1 तारीख से मैं ये काम करना शुरू करूंगा, तो बिल्कुल ये 1 तारीख अब आ चुकी है और 1 तारीख से आप लोग अब डेली अपने करंट अफेयर्स को पढ़ना तो स्टार्ट करें ही करें। नित नियम पढ़ें, सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, लेकिन ये छोटा सा वीडियो होता है हर रोज का, आप लोग इन्हें ज़रूर करें। इससे आप लोगों को जब मंथली वीडियो या जब मैं पूरा ईयरली वीडियो करवाया करता हूं तो उसमें आपका रिवीजन बहुत अच्छा सा हो जाएगा और आप लोगों को ये क्वेश्चन याद होने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो आज स्टार्ट करते हैं 1 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर। मेरा नाम है सुनील, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। स्टार IQ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करिएगा। और दोस्तों Star IQ मेरा कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करके आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो और 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हो। कल आपसे सवाल किया उसका सही जवाब क्या होगा, हरियाणा के किस निशानेबाज ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। तो ये सही आंसर रहेगा सरबजोत सिंह, यानी कि सी वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आज का पहला सवाल क्या है कि हाल ही में किसे हरियाणा राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये तो अब यूं कहिएगा याद रख ही लेना है। इतने दिन तक आप लोग पढ़ा करते थे विजय वर्धन को। एक्चुअली अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने पहले इसी साल, मतलब पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा था केसनी आनंद अरोड़ा के बारे में। तो केसनी आनंद अरोड़ा हरियाणा की महिला मुख्य सचिव थी, उनकी जगह उनको रिप्लेस किया था विजय वर्धन ने और आज विजय वर्धन को रिप्लेस किया है संजीव कौशल ने। तो आप लोगों को अब ये नाम याद रखना होगा कुछ समय तक के लिए। तो विजय वर्धन 30 नवंबर को रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी जगह पे संजीव कौशल हरियाणा के 35वें और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 5वें मुख्य सचिव होने वाले हैं। तो ये बात है बड़ी ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों को जरूर याद रखनी है ये। संजीव कौशल को सामान्य प्रशासन, कार्मिक प्रशिक्षण, संसदीय कार्य और विजिलेंस का डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक सुधार विभाग है, इन सभी डिपार्टमेंट की जो है ना वो सचिव की जिम्मेवारी सौंपी गई है रिसेंटली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पे लिख लेना, भले ही इसे याद कर लेना। ये हैं संजीव कौशल जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। आज का दूसरा सवाल क्या होगा जी, आज का दूसरा सवाल है कि हाल ही में किसे राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिएगा ये अलग है, ऐसा मत समझना कि मुख्य सचिव तो आ गया, ये राजस्व और आपदा डिपार्टमेंट है, यानी कि रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, इस रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बनाए गए हैं अभी हाल ही में, जिनका नाम है PK दास, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, आप लोगों को PK नाम से एक चीज़ और भी याद होगी शायद, PK अग्रवाल कौन है, PK अग्रवाल हरियाणा के DGP है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, ये तो बात आपको याद रहेगी। और अब ये दूसरे PK दास आपको याद रखना है, वित्तायुक्त तथा राजस्व और आपदा प्रबंधन व चकबंदी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव इन्हें नियुक्त किया गया है, ये है PK दास। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के 22 FPO ने कितने कृषि क्षेत्र निवेशक कंपनियों के साथ में MOU पे साइन किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका क्या, 20, ठीक है ना, 20 ने जो है ना MOU पे साइन किया है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप लोगों को पूरा समझा दिया जाए कि एक्चुअली है क्या ये। देखो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में 20 कृषि क्षेत्र निवेशक कंपनी और 22 किसान उत्पादक संगठन FPO के बीच MOU पे हस्ताक्षर हुए हैं। और इसके अंतर्गत होगा क्या, हरियाणा के अंदर ताज़ा फल है, सब्जी है, इनकी सप्लाई चेन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रहेगी ताकि खेतों के उत्पाद डायरेक्ट ग्राहकों तक पहुंच सके, यही समझौता किया है अभी रिसेंटली। तो बागवानी क्षेत्र में व्यापार के लिए 20 नामी कंपनियों का 22 FPO के साथ में समझौता हुआ है अभी, MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है ना। ये जानकारी दी किसने है, हरियाणा के सूचना जनसंपर्क विभाग या भाषा विभाग हरियाणा के द्वारा इस जानकारी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हरियाणा के कितने बिजली घरों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हरियाणा के 580 बिजली घरों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
अभी देखो आने वाला जमाना जो है ना वो इलेक्ट्रिक का ही जमाना है, धीरे धीरे हर चीज़ जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही, या यूँ कहिएगा ये पेट्रोल डीजल है इनका जो सब्स्टिट्यूट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होगा। जैसे सबसे पहला इलेक्ट्रिक हाईवे आप लोगों को पता होगा वो कौन सा था, वो है दिल्ली से चंडीगढ़ वाला, जिस पे 19 चार्जिंग स्टेशन लगे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक स्टेशन कहाँ पे लगा है, ये लगा है जी आपका हिमाचल प्रदेश की एक जगह है काजा, वहाँ पे लगाया है, लाहौल स्पीति के बीच डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है जगह, ये लगभग 36,000 मीटर की ऊँचाई पर है। और अभी हरियाणा ने स्टेट और नेशनल हाईवे पर बिजली घरों के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन बना दिए हैं, और बिजली विभाग केंद्र सरकार के तहत आने वाली कंपनी से टाई अप करेगी। 1,080 बिजली घर है अभी तकरीबन, जिसमें से 580 स्टेट व नेशनल हाईवे के ऊपर ही है। तो इन पे जो है ई चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है, तो मतलब सीधी सी बात हो जाएगी जहाँ पे बिजली घर है वहीं पे चार्जिंग स्टेशन बनना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसी करके इस योजना को लागू किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन की चेस और स्विमिंग की मेज़बानी करेगा। हरियाणा का कौन सा जिला है जो स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन की चेस और स्विमिंग की मेज़बानी कर रहा है, तो ये जिला है जी पानीपत, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन द्वारा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए अंडर 11/14 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। पानीपत का चेस और स्विमिंग की मेज़बानी का मौका मिला है, और ये प्रतियोगिताएं 16 से 18 दिसंबर को जो है ना वो आयोजित की जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 2021-22 की 66वीं राष्ट्रीय खेल स्कूल खेल प्रतियोगिता पार्ट वन का कैलेंडर स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया से प्राप्त हुआ है। और आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम भी साल 2022 के अंदर होने वाले हैं, फरवरी के अंदर हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली, इन क्षेत्रों में गेम होंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को तो मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा सरकार पशुपालन में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किस कैंप का आयोजन कर रही है। पशु सुरक्षा कैंप, पशु सम्मान क्रेडिट कैंप, पशु किसान क्रेडिट कैंप, पशु व्यवसाय एवं सुरक्षा कैंप, बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ एक नए अंदाज में कुछ अच्छे से क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हर रोज़ रात को 9 बजे लाइव आता हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखा करें। धन्यवाद।